युवा अधिवक्ता अजय साहू को जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान अजय साहू ने कहा कि सबसे पहले बालोद में उपभोक्ता फोरम खोलने की दिशा में प्रयास किया जाएगा, साथ ही जिला और सत्र न्यायालय का भवन जल्द बनाने, किशोर न्याय बोर्ड नियमित रूप से लगे, इस दिशा में भी प्रयास होगा। वहीं अधिवक्ताओं के सामने जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी वेलफेयर की योजनाएं हैं वो सारे अधिवक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, साथ ही और नवीन योजना यदि कोई है किसी के विचार में तो सबको साथ लेकर के सबकी सहमति से सबके विचार से जो बेहतर हो सकता है अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं के हित में वो सारे काम करने का प्रयास सबको साथ लेकर के करेंगे। उपभोक्ता फोरम हर बार प्रयास होते, मेरे से पूर्व अध्यक्षों ने भी पहली प्राथमिकता में उपभोक्ता फोरम को रखा और इसके लिए हाईकोर्ट और शासन स्तर पर भी जो है जाके मिले, संपर्क किए, वहाँ से विजिट भी हुआ, उसके बाद भी आज तक जो है उपभोक्ता फोरम खुल नहीं पाया। तो उसमें हम नए सिरे से जो है उसमें शासन स्तर पर और माननीय उच्च न्यायालय स्तर पर जो भी होगा समस्या आ रही होगी, अड़चन आ रही होगी, उसको दूर करने के लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से हम समस्त अधिवक्तागण ये अपेक्षा रखते नई कार्यकारिणी से कि अधिवक्ता के हितों में जो शेष कार्य रह गए हैं उन कार्यों को अधिवक्ता की नई कार्यकारिणी पूरा करेगी और हम सब अधिवक्तागण उनको पूरा सहयोग करेंगे उनके कार्यों को पूरा करने के लिए। जैसे कि देखा जाए बालोद जिला बने बहुत लंबा समय हो गया है, एक उपभोक्ता फोरम एक न्यायालय होता है उसकी बालोद में कमी महसूस की जाती है। आज भी हम उपभोक्ता फोरम के मामलों को लेकर दुर्ग जो हमारा पुराना जिला है उस पर निर्भर है।